गुजरात में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि कल जब ये अहम खबर आई थी कि कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन आज वो सूची साफ हो चुकी है। हर कोई पूरी ताकत लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि अब बेहद कम दिन बचे हैं। देखना होगा कि किस किस उम्मीदवार को। और गोपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी से और जानकारी हम ले लेते हैं। गोपी, इंतजार हो रहा था कि पहली लिस्ट सामने आएगी, हालांकि जब दिग्गजों ने टिकट लेने से इनकार कर दिया था, उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही थी, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। फिलहाल क्या तस्वीर? गोपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप बताइए। पहली लिस्ट बीजेपी के सामने आ चुकी है, जब कई दिग्गजों ने मना कर दिया था कि अब हमें टिकट नहीं चाहिए, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब तो नाम सामने आ चुके हैं। अब क्या तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कल लगातार पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल सब ने मना कर दिया, लेकिन जो नाम सामने आया है, जिसमें हार्दिक पटेल का भी एक नाम सामने आया है। हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। उन्हीं से पहली प्रतिक्रिया जानते हैं कि हार्दिक, आपका नाम लिस्ट में आया, विरमगाम से आपको टिकट दिया गया, पहली बार चुनाव के मैदान में उतरेंगे। सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि सबसे कम उम्र के उम्मीदवार के रूप में मुझे विरमगाम से जिम्मेवारी दी है। तो जो भी मेरी जिम्मेवारी मुझे प्रूव करनी है, वो विरमगाम विधानसभा के लोगों को साथ रखते हुए यहाँ से लोगों का भरोसा जीतना है, यहाँ से चुनाव जीतना है, और यहाँ की जो 10 साल से जो विकास में अवरोध बने हुए जो कांग्रेस के विधायक है, उनसे बाहर निकाल के यहाँ के लोगों के विकास के लिए कैसे काम किया जाए, उस पर मुझे ध्यान देना है। और मुझे ये भरोसा है कि नरेंद्र भाई और अमित भाई का जो विकास का पथ है, उस पथ को मैं अगर विरमगाम विधानसभा में लाऊंगा तो यहाँ के लोगों में एक बड़ी उत्साह और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद दिखेगी। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल से जिस पथ पे चल रही है, विकास के पथ पे, वो पथ और मजबूत होगा। लेकिन हार्दिक, 5 साल पीछे चले जाइए, 2017 में इसी बीजेपी का विरोध कर रहे थे, आज उसी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। सामाजिक आंदोलन विरोध से ही पैदा होते हैं, सामाजिक आंदोलन पूर्ण। बिल्कुल गोपी, और ये सवाल हर कोई उनसे आगे भी पूछता रहेगा कि 2017 में पाटीदार आंदोलन का वो चेहरा रहे और जिस पार्टी के खिलाफ मुखर होकर वो बोलते थे, आज उसी की टिकट से लड़ने वाले हैं। बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी जानकारी पहुंचाने के लिए।